वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है आथुमुगम, जिसका मतलब है हिडन फेस। एक्चुअली एक अनरेटेड मूवी है। इस मूवी पर मुझे इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं था, लेकिन ये तो छोटे पटाखे में बड़ा धमाका निकली। मूवी के दौरान बहुत ही अच्छे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत होती है खूबसूरत ऊटी से, जहाँ पर एक कपल को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है मार्टिन, बंदी का नाम होता है लीना। और एक्चुअली आज लीना का बर्थडे होने पर मार्टिन लीना को सरप्राइज देने की कोशिश करने लगता है, मतलब किसी जगह पर गिफ्ट को छुपा कर रखता है और उसे फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो लीना झटके से उस गिफ्ट को फाइंड आउट कर लेती है। ये देखने के बाद मार्टिन शॉक में रह जाता है, बहुत मायूस होने लगता है। लीना से कहने लगता है, अरे ये क्या लीना, मैंने रात भर बहुत ही मेहनत करके इस सरप्राइज को प्लान किया। तुम सोने के बाद मैंने गिफ्ट बॉक्स को यहाँ पर छुपा के रखा, तो तुम तो झटके से फाइंड आउट कर लिया। लीना कहने लगती है, अरे कुछ नहीं मार्टिन, मैं बस रात में पानी पीने के लिए अपने बिस्तर से जागी थी, तो तुम इस जगह पर कुछ छुपा रहे थे, तो तभी मैंने पता कर लिया कि सर मेरे लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। और एक्चुअली लास्ट टाइम लीना ने मार्टिन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सरप्राइज दिया था इसके बर्थडे पर, तो वही चीज़ मार्टिन लीना के ऊपर भी ट्राई करना चाहता है, लेकिन हर साल वर्कआउट नहीं हो रहा होता। खैर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मार्टिन अपने काम पर चला जाता है। एक्चुअली मार्टिन एक टी स्टेट का मैनेजर होता है। उसी वक्त मार्टिन का बेस्ट फ्रेंड पॉल मार्टिन को वीडियो कॉल करने लगता है। मार्टिन से पूछने लगता है, अरे यार आज तो तुम दोनों का मैरिज एनिवर्सरी है और उसी तरह लीना का बर्थडे, इसके बावजूद भी तुम काम पर आ गए, जाओ यार केक वेक काटो, एंजॉय करो अपनी बीवी के साथ। मतलब आज मार्टिन और लीना का मैरिज एनिवर्सरी भी होता है। मार्टिन कहने लगता है, अरे यार मैं तो लीना को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन लीना ने ऑलरेडी उस सरप्राइज को फाइंड आउट कर लिया, और उसी तरह यहाँ पर थोड़ा पेंडिंग काम है, वो देखकर मैं वापस घर चला जाऊंगा। खास बात, जब मार्टिन अपने कैबिन में होता है तो मार्टिन के पास राम नाम का एक बंदा आता है। कुछ दिनों बाद राम और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली होती है, मार्टिन को इनवाइट करने लगता है अपनी शादी पर। तो ये सुनने के बाद मार्टिन राम से पूछने लगता है कि राम क्या तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही यूनिक तरीके से उसको बर्थडे विश किया, उसको सरप्राइज दिया? तो राम बहुत सोचने के बाद मार्टिन को एक इंसिडेंट बताने लगता है। हाँ सर, मैंने मेरी गर्लफ्रेंड के फ़ोन में हिडन फेस नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, और मेरी गर्लफ्रेंड जो भी किया करती थी मैंने उन स्वीट मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके मेरी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दिया, वो तो बहुत खुश हो गई थी। तो यह सरप्राइज मेथड सुनने के बाद मार्टिन को भी बहुत पसंद आता है, सोच लेता है कि मैं भी ट्राई करूँगा। इस तरह से मार्टिन अपने लैपटॉप के जरिए से उस हिडन फेस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करने लगता है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इस एप्लीकेशन के रिलेटेड थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स को भी देखने लगता है। तो फटाफट से अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेता है। रात होने के बाद जब लीना सो रही होती है तो मार्टिन लीना का फ़ोन लेकर उसके फ़ोन में भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने लगता है, मतलब लीना जो भी करेगी वो सारी चीज़ें मार्टिन को पता चलेगा। खैर सुबह होने के बाद मार्टिन फटाफट से अपने ऑफिस पर आकर अपने लैपटॉप ओपन करके लीना के फ़ोन को एक्सेस करने लगता है, मतलब लीना जो भी काम करती है लीना के फ़ोन के कैमरे के जरिए से मार्टिन वो सारी चीज़ें देखता रहता है। सो लीना किचन में काम करते हुए गाने सुनते हुए बहुत एंजॉय करती रहती है। लीना की ये स्वीट चीज़ें मार्टिन अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड करने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद बंसल नाम का एक बंदा मार्टिन को कॉल करके आज रात किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। एक्चुअली मार्टिन जाना नहीं चाहता, लेकिन वो बंदा फोर्स करने लगता है। सो शाम होने के बाद मार्टिन उस बंसल से जाकर मिलने लगता है। एक्चुअली बंसल का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेट होता है। कहने लगता है कि तुम कितने दिनों तक उस पॉल के स्टेट में काम करते रहोगे? मार्टिन मैंने तुम्हारे हार्डवर्क को देखा, इन 4 सालों में तुमने उस स्टेट को बहुत डेवलप किया, लेकिन बदले में पॉल ने तुमको क्या दिया? वो तो तुमको एक नौकर ही की तरह देखता है ना। मार्टिन तुम फटाफट से मेरे स्टेट पर आ जाओ, वहाँ पर काम करो। लेकिन मार्टिन इसके लिए टोटली मना करने लगता है। बंसल से कहने लगता है कि एक्चुअली मेरे पापा और पॉल के पापा बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, उन दोनों ने चेन्नई से यहाँ पर आकर इस बिजनेस को खड़ा किया, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरी माँ मर गई और मेरे पापा पैरालाइज हो गए। पॉल के पापा ने ही मेरी और मेरे पापा की देखरेख करने लगे। कुछ दिनों बाद मेरे पापा भी इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद पॉल के पापा मुझे भी अपना बेटा समझकर मेरा सारा खर्चा उठाया, मेरी अच्छी परवरिश की और इसी तरह मेरी और लीना की भी शादी करवाई। पॉल के पापा ने हम दोनों के लिए एक घर भी गिफ्ट दिया, तो ऐसे में मैं पॉल को धोखा नहीं दे सकता। तो यह सुनने के बाद भंसल मार्टिन को
वार्न करने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ मार्टिन, अगर तुम मना करके चले गए तो बहुत पछताओगे। लेकिन मार्टिन इसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। खैर, अपने घर वापस आने के बाद मार्टिन लीना के जो वीडियो क्लिप्स को रिकॉर्ड किया था ना, उसको एक एक करके एडिट करते रहता है। सुबह होने के बाद मार्टिन दोबारा अपने ऑफिस पर जाकर अपने लैपटॉप ओपन करके दोबारा लीना को देखने की कोशिश करने लगता है। तो मार्टिन को यहाँ पर शॉकिंग बात पता चलती है कि लीना से मिलने के लिए कोई बंदा आया, मतलब लीना किसी से बात कर रही होती है। यह देखने के बाद मार्टिन यही सोचने लगता है कि लीना ने मुझे फोन करके ये बात क्यों नहीं बताई कि घर पर कोई आया है। मार्टिन उस बंदे को देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लीना अपना फोन उस तरफ घुमाती ही नहीं। इस वीडियो में सिर्फ लीना ही नजर आती रहती है। डिनर करते वक्त मार्टिन इसी के बारे में सोचते रहता है कि लीना अब या तब उस बंदे के बारे में मुझसे शेयर करेगी। लेकिन लीना मार्टिन को कुछ भी नहीं बताती। थोड़ी देर के बाद लीना खुद मार्टिन से पूछने लगती है कि तुमको क्या हुआ, क्यों गुमसुम हो। तो मार्टिन बहाना बनाने लगता है कि स्टेट के पास थोड़ा ज्यादा काम हो गया। उसके बाद सोते वक्त भी लीना मार्टिन से कुछ भी नहीं बताती। मार्टिन इसी सोच में डूबा रहता है, क्या लीना का चक्कर किसी बंदे के साथ है, क्या लीना मुझे धोखा दे रही है। तो सुबह होने के बाद मार्टिन फटाफट से अपने ऑफिस पर जाकर अपना लैपटॉप ओपन करके दोबारा लीना को देखने की कोशिश करने लगता है। सो मार्टिन ये देखता है कि लीना काम करते वक्त किसी से फोन में बात कर रही है। मार्टिन ऑडियो को सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मार्टिन के पास वो परमिशन नहीं होती, जिसकी वजह से मार्टिन लीना की बातें सुन नहीं पाता। सो मार्टिन सोचने लगता है कि कैसे पता करे कि लीना किससे बात कर रही है। सो बहुत हिम्मत जुटाकर मार्टिन लीना को कॉल करने लगता है। बहाना बनाने लगता है कि ऑफिस में एक फाइल नजर नहीं आ रही, क्या वो फाइल घर पर है, क्या तुम थोड़ा देख सकती हो। अब मार्टिन के पास इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो डायरेक्टली लीना से पूछे। इस चीज को कैसे हैंडल करे मार्टिन को समझ में ही नहीं आता कि कौन है वो बंदा बार बार मेरे घर पर आ रहा है, लीना से मुलाकात कर रहा है। खैर, रात होने के बाद जब लीना सो जाती है तो मार्टिन चुप चुप के लीना का फोन लेकर इसमें कुछ सेटिंग्स ऑन करने लगता है। खैर, दूसरे दिन मार्टिन ये देखता है कि लीना के फोन को कोई बंदा हाय कहकर मैसेज सेंड करने लगता है। जब मार्टिन उस बंदे का डीपी चेक करने लगता है तो मार्टिन इस बंदे को कभी भी नहीं देखा होता। सोचने लगता है कि यह बंदा कौन है और लीना इस बंदे को कैसे जानती है। उसके बाद लीना और उस बंदे के बीच थोड़ी बहुत चैटिंग होने लगती है। वो बंदा पूछने लगता है कि आज तुमने खाने में क्या बनाया, कौन सा ड्रेस पहना, क्या तुम मुझे अपनी एक फोटो भेज सकती हो, क्या तुम्हारा पति ऑफिस चला गया, क्या मैं घर पर आ सकता हूँ। तो लीना अपना फोटो क्लिक करके उस बंदे को सेंड करने लगती है, अपने बॉयफ्रेंड को, और ये भी कहने लगती है कि घर पर कोई भी मौजूद नहीं है, तुम थोड़ी देर के बाद आ सकते हो। सो थोड़ी देर के बाद लीना का बीएफ लीना से मिलने के लिए आता है। लीना अपने बीएफ को खाना भी परोसने लगती है। इसका बीएफ कहने लगता है कि लीना मेरी बात मान जाओ, हमारी लाइफ बहुत ही खूबसूरत होगी, तुम फटाफट से अपना डिसीजन बोलो ना। लीना अपने बीएफ से कहने लगती है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया और मैं तुमको कल बताऊंगी। तो इन दोनों की बातें सुनने के बाद मार्टिन के तो होश ही उड़ जाते हैं कि मार्टिन अपनी बीवी से कितना प्यार कर रहा है और लीना किसी बंदे के साथ अफेयर में है, मार्टिन को धोखा दे रही है। इस तरह से अपने छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है। एक्चुअली मार्टिन और लीना एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और मार्टिन स्कूल डेज में ही लीना से बहुत प्यार करता था। ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। मौका देखकर एक दिन मार्टिन लीना को प्रपोज कर दिया, लेकिन लीना ने मार्टिन के प्यार को ठुकरा दिया। यही कहने लगी कि तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैंने तुमको उस नजरिए से देखा ही नहीं। ऐसा कहकर उस दिन से मार्टिन से बात करना बंद कर देती है, इससे दूर चली जाती है। उसके बाद मार्टिन अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके जब दोबारा यहाँ पर आता है तो किसी जगह पर लीना को देखता है, लीना को पहचान लेता है। और उस वक्त लीना किसी स्कूल में एज ए टीचर की तरह काम करती रहती है। तो धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है, दोबारा इन दोनों की दोस्ती गहरी होती है और मौका देखकर मार्टिन दोबारा लीना को प्रपोज करने लगता है। तो लीना इस बार मार्टिन को हाँ कह देती है। पॉल के फादर ने मार्टिन और लीना की शादी करवा देते हैं। सो इस तरह से मार्टिन अपनी लव जर्नी को याद करके बहुत रोने लगता है, बेचारा का दिल टूट जाता है। उसी रात लीना का बीएफ लीना को मैसेज करने लगता है कि कल 3 बजे मुझसे मिलने के लिए आओ, वही हमारी पुरानी प्लेस पर। तो सुबह होने के बाद मार्टिन फटाफट से अपने ऑफिस पर जाकर अपने लैपटॉप के जरिए से दोबारा लीना के फोन को एक्सेस करने लगता है। तो लीना ऑटो में बैठकर किसी जगह पर जाने लगती है अपने बीएफ से मिलने के लिए। किसी जगह पर आने के बाद लीना अपने बीएफ को हक करने लगती है। लीना का बीएफ कहने लगता है, अगर हम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारना होगा तो तुमको अपने हस्बैंड को मार देना चाहिए, तब हम दोनों उसी घर में अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। इस तरह से लीना को जहर देने लगता है कि आज रात खाने में मिलाकर मार दो, अगर तभी भी नहीं मरा तो ये लो गन, उसको गोली मार दो। इस तरह से अपनी गन भी देने लगता है।
तो ये सब कुछ देखकर सुनकर मार्टिन के तो होश ही उड़ जाते हैं कि इसकी बीवी इसको ये मारने का प्लान बना रही है। खैर उसी रात जब मार्टिन सो रहा होता है तो लीना अपने बीएफ को अपने घर पर बुलाने लगती है। इसका बीएफ घर पर आने के बाद लीना से पूछने लगता है, क्या तुमने अपने हस्बैंड को मार दिया? लीना कहने लगती है, नहीं बाबा मैं नहीं मार पाऊंगी, ये लो तुम ही मार दो। इस तरह से उसके हाथ में गन थमा देती है। तो लीना का बीएफ धीरे धीरे मार्टिन के चेहरे पर पिल्लो रखकर इसको गोली मार देता है। बाद में पता चलता है ये सब कुछ मार्टिन का एक नाइटमेयर होता है। खैर सोचने लगता है कि ये दोनों इसको मारने से पहले मार्टिन ही उन दोनों को मार देगा। उसी वक्त मार्टिन अपने फ्रेंड विट्टू को कॉल करके एक गन का इंतजाम करने के लिए कहता है, अपने फ्रेंड को रीजन नहीं बताता। तो दूसरे दिन वेट्री मार्टिन से मुलाकात करके इसके हाथ में गन थमा देता है। और एक्चुअली वेट्री यही सोचने लगता है कि मार्टिन अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता है। खैर उसके बाद मार्टिन अपनी बीवी लीना को फॉलो करने लगता है। सो आज भी लीना अपने बीएफ से मिलने के लिए उसी जगह पर जाने लगती है। लीना के बीएफ का नाम होता है सूर्या। सूर्या पूछने लगता है, क्या तुमने अपने पति को मार दिया? तो लीना कहने लगती है, नहीं मैं नहीं मार पाऊंगी। सूर्या कहने लगता है, अरे ये क्या लीना, तुमको हिम्मत जुटाकर उसको मार देना चाहिए, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्या तुम भूल गए वो तुमको कितना टॉर्चर करता है? आज रात तो भी तुम उसका काम तमाम कर दो, तभी हम दोनों की लाइफ सेट होगी लीना। अब मार्टिन भी वहीं पर होता है, ये सारी चीजें देख रहा होता है। तो मार्टिन को गुस्सा आकर वो गन लेकर सूर्या पर फायर करके उसको मार देता है। तभी हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि सूर्या पर गोली चलाने वाला मार्टिन नहीं बल्कि लीना होती है। सूर्या ने लीना को गन दिया था ना, उसी गन से लीना सूर्या को मार देती है। ये देखने के बाद मार्टिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद लीना किसी बंदे को कॉल करके कहने लगती है, क्या आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही कर दिया, मैंने सूर्या को मार दिया। तो शायद वो बंदा लीना को किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। तो लीना उसी तरह से उस जगह पर जाकर उस बंदे का इंतजार करती रहती है। अब मार्टिन भी लीना को फॉलो करते रहता है। शॉकिंग बात यह है कि लीना और किसी से नहीं बंसल से मुलाकात करती है। मार्टिन दूर रहकर ही लीना और बंसल की बातें सुनने लगता है। लीना बंसल से कहने लगती है कि मैंने सूर्या को मार दिया और आपके पास जो सोर्स फाइल है प्लीज उसको डिलीट कर दीजिए। मार्टिन को समझ में नहीं आता कि लीना बंसल को कैसे जानती है और बंसल के पास ऐसा क्या है। थोड़ी देर के बाद लीना सूर्या की डेड बॉडी के पास आकर इसको ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगती है। अब मार्टिन से रहा नहीं जाता, वो डायरेक्ट लीना के पास जाकर यही पूछने लगता है कि लीना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आखिरकार हो क्या रहा है, तुमने मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई, क्या तुम्हारी कोई वीडियो उन लोगों के पास है, क्या वो लोग तुमको ब्लैकमेल कर रहे हैं? तो लीना मार्टिन को देखकर बहुत इमोशनल होने लगती है, रोते हुए कहने लगती है, हाँ एक वीडियो उनके पास है। मार्टिन उस वीडियो के बारे में पूछने लगता है। तो लीना मार्टिन को वो वीडियो दिखाने लगती है। एक्चुअली उस वीडियो में मार्टिन अपने अकाउंटेंट के साथ रिलेशनशिप में होता है, किसी रूम में जाकर ये दोनों कांडवान करते रहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद मार्टिन के तो होश उड़ जाते हैं। लीना से कहने लगता है कि ये तो फेक वीडियो है। हाँ एक दिन मेरी अकाउंटेंट मीरा मेरे पास आई थी लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया था, तो वो पार्ट कट करके इन्होंने दूसरे पार्ट को ऐड कर दिया इस वीडियो में। तुम इस वीडियो को देखकर कैसे भरोसा कर लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? लीना कहने लगती है कि मुझे भी पता है ये वीडियो फेक है, अगर ये वीडियो बाहर आएगी तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। बहुत ही डिटेलिंग के साथ इस वीडियो को एडिट किया, कोई भी देखकर यही कहेगा कि इस वीडियो में तुम ही हो। इसी वीडियो को दिखाकर बंसल मुझे ब्लैकमेल करने लगा, स्टेट के कुछ डॉक्यूमेंट्स को मंगवाने लगा, वो लोग मुझे डराने धमकाने लगे, अगर मैंने इस काम के लिए मना कर दिया तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, इसलिए मैं उनके कामों को करती रही। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए सूर्या नाम का एक बंदा आया करता था और ये सूर्या भी बंसल का ही आदमी था। इसी दरमियान में एक दिन सूर्या ने मुझे प्रपोज किया, कहने लगा था कि तुम अपने पति को छोड़ दो, देखा ना तुमने उस वीडियो में तुम्हारा पति तुमको धोखा दे रहा है, ये सब कुछ होने के बाद हम दोनों कहीं दूर जाकर जिंदगी गुजार लेंगे। ये बात मैंने बंसल को बताई थी कि सूर्या मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, तो बंसल ने ही मुझसे कहा कि मैं सूर्या को मार दूं, इसलिए मैंने आज यहाँ पर आकर मौका देखकर सूर्या को मार दिया और उसी तरह सूर्या की बॉडी को भी ठिकाने लगाने के लिए कहा, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा आई। तो यह सब कुछ सुनने के बाद मार्टिन लीना को बहुत डांटने लगता है कि अगर ये बात तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं खुद हैंडल कर लेता, ये सारी बात इतने दिनों से मुझे छुपा रही थी तुम। मेरी बात ध्यान से सुनो लीना, अब ये प्रॉब्लम मेरी है तुम्हारी नहीं, यहाँ से मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इस तरह से मार्टिन लीना को घर के पास ड्रॉप करके वो दोबारा उसी जगह पर आकर सूर्या की लाश को किसी जंगल के इलाके में ले जाकर उसको दफना देता है। उसी वक्त बंसल मार्टिन को कॉल करने पर मार्टिन पहचान लेता है, कहने लगता है कि मैं सब कुछ जान गया तुम्हारी सच्चाई, ये सब कुछ तुम ही ने किया ना,
मुझे फंसाने के लिए। खैर उसके बाद मार्टिन दोबारा अपने घर पर आकर लीना को दोबारा बहुत डांटने लगता है कि यह सब कुछ बंसल का प्लान है। लीना, तुमको यह बात भी समझ में नहीं आई, वो बंसल हम दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। बंसल ने ही सूर्या से कहा कि वो तुम्हारे पास आकर डॉक्यूमेंट्स को हासिल करे और उसी तरह तुमको प्रपोज भी करे। उसी ने सूर्या को गन दिया और उससे कहा कि सूर्या तुमसे ये कहे कि तुम मुझे मार दो। मतलब इन शॉर्ट से बंसल तुम्हारे हाथों सूर्या को कत्ल करवाना चाहता था और वो कामयाब भी हो गया। तभी लीना मार्टिन को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि मार्टिन मैं एक और बात बताना भूल गई। उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम्हारे फोन में के हिडन फेस नाम का एक एप्लीकेशन तुम्हारे फोन में इंस्टॉल करे। तो ये सुनने के बाद मार्टिन के तो होश उड़ जाते हैं, जिसका मतलब मार्टिन ने अब तक जो जो भी किया वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी होती है। सूर्या को दफनाना वो सब कुछ। मार्टिन के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेता है। उसी वक्त पुलिस वाले मार्टिन के घर पर आते हैं। ये देखकर मार्टिन पीछे के रास्ते से भागने लगता है और जाते जाते लीना से कहने लगता है कि पुलिस वाले तुमसे जो भी सवाल करे तुम ये की बात कहना कि तुमको कुछ नहीं पता। दूसरे दिन सारे टीवी न्यूज चैनल्स में मार्टिन की ही न्यूज चलने लगती है। मतलब एक्चुअली पुलिस वालों को सूर्या की लाश मिल जाती है उसी जंगल में और ये न्यूज चलने लगती है कि लीना और सूर्या का चक्कर चल रहा था। जब ये बात मार्टिन को पता चली, मार्टिन ने सूर्या को मार दिया। उसके बाद मार्टिन चुप चुप के वेटरी से मुलाकात करता है। वेटरी मार्टिन को देखकर कहने लगता है, अरे यार तुम उससे मत मिला करो, अगर पुलिस वालों को पता लग गई तो वो लोग मुझे भी अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन मार्टिन वेटरी से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज यार सिर्फ मेरी एक हेल्प कर दो, एक गाड़ी का इंतजाम कर दो मेरे लिए। तो वेटरी उसी तरह से मार्टिन को एक गाड़ी देने लगता है। उसके बाद मार्टिन उस बंसल को फॉलो करते रहता है। तो शॉकिंग बात यह है कि शाम होने के बाद बंसल और पॉल किसी जगह पर मुलाकात करने लगते हैं। ये देखकर मार्टिन के तो होश ही उड़ जाते हैं कि पॉल बंसल को कैसे जानता है और आखिरकार इन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हो रही है। पॉल बंसल से मुलाकात करने के बाद वो अपने नए फार्म हाउस पर जाने लगता है। अब मार्टिन भी इसको फॉलो करते हुए उस फार्म हाउस के अंदर जाने लगता है चुप चुप के। जब मार्टिन किसी कमरे में जाता है तो इस कमरे में मार्टिन और लीना के रिलेटेड काफी सारे सबूत होते हैं और इसी तरह मार्टिन के घर का सीसीटीवी फुटेज, ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज, इवन इसके फोन का एक्सेस भी पॉल के पास होता है। पॉल यहाँ पर बैठकर मार्टिन की सारी हरकतें देखते रहता है, सुनते रहता है कि वो किससे बात करता है, कहाँ पर जाता है, क्या करता है। तभी इस कमरे में पॉल आता है और मार्टिन को देखकर शॉक में रह जाता है। मार्टिन पॉल से पूछने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है पॉल। तो इसी बातों में पॉल मार्टिन पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत हाथापाई होने लगती है। फाइनली मार्टिन पॉल के गले के पास चाकू रखकर इसको सच बताने के लिए कहता है। अब उसी वक्त वहाँ पर पॉल का फादर आकर मार्टिन पर हमला करने लगता है। मार्टिन पॉल और उसके फादर से पूछने लगता है कि अंकल आप भी पॉल के साथ मिले हुए हो। तो इन दोनों से मार्टिन को कुछ सच्चाइयां पता चलती है कि एक्चुअली मार्टिन के फादर ने मरने से पहले असम में 300 एकड़ का एस्टेट मार्टिन के नाम कर दिया और उसी तरह मार्टिन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट इसी पॉल के फादर ने किया होता है। उसी एस्टेट को हासिल करने के लिए पॉल और उसके फादर ने ये प्लान बनाया होता है बंसल से हाथ मिलाकर। मार्टिन के फादर ने ये भी वीलनामा लिखा होता है कि अगर मार्टिन मर गया तो ये सारी प्रॉपर्टी ये चर्च के नाम हो जाएगी। तो इसीलिए पॉल और उसके फादर ने ये प्लान बनाया कि मार्टिन को किसी केस में फंसाकर जेल भिजवा दे और ये दोनों उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करते रहे। इसलिए ये दोनों मार्टिन को नहीं मारते, मार्टिन को एक केस में फंसाने लगते हैं। तो यह सच जानने के बाद मार्टिन किसी भी तरह से वहाँ से बच निकलता है। फटाफट से वेटरी के पास आकर इनके होम टाउन जाने की विश करने लगता है। फटाफट से वेटरी के पास आकर इनके होम टाउन जाने की बात करता है। तो दूसरे दिन मार्टिन और वेटरी अपने होम टाउन पर आते हैं, मतलब इनके पुराने घर पर। वहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करने पर सच में मार्टिन के फादर ने मार्टिन के नाम 300 एकड़ के एस्टेट को लिखा होता है। अगर मार्टिन मर गया तो ये सारी प्रॉपर्टी एक चर्च के नाम हो जाएगी। मार्टिन एक चर्च के फादर को कॉल करके ये भी कंफर्मेशन ले लेता है। मतलब मार्टिन के फादर और ये चर्च का फादर ये दोनों अच्छे दोस्त थे। तो ये सब कुछ जानने के बाद वेटरी मार्टिन से कहने लगता है, अरे यार तुम तो बहुत बड़े अमीर इंसान हो और मैंने खामखा पुलिस वालों को तुम्हारे बारे में बता दिया, मतलब हमारे लोकेशन के बारे में। मार्टिन वेटरी से कहने लगता है, अरे यार ये तुमने क्या कर दिया। उसी वक्त पुलिस वाले यहाँ पर आकर मार्टिन को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी बहुत चेजिंग वगैरह होने लगती है लेकिन फाइनली पुलिस वाले मार्टिन को गिरफ्तार कर ही लेते हैं। पॉल और उसके फादर मार्टिन पर लगे हुए झूठे इल्जामों को कोर्ट में प्रूफ करके उसको सजा दिलवाते हैं। बेचारा मार्टिन जेल की सजा काटते रहता है। इसी दरमियान में लीना मार्टिन से मिलने के लिए आती है, से माफी मांगने लगती है कि मेरी वजह से तुम पकड़े गए मार्टिन, मुझे माफ कर दो,
मार्टिन कहने लगता है, पहले तुम एक अच्छे से लॉयर को ढूंढो, मुझे बेल दिलवाओ लीना। उसी वक्त यहाँ पर मार्टिन को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि लीना और कोई नहीं पॉल की बहन होती है। मतलब स्कूल डेज से ही पॉल के फादर ने लीना से कहा कि तुम मार्टिन से प्यार करने का नाटक करो, और लीना ने मार्टिन से ये कहा था कि ये हिंदू है, हालांकि लीना भी एक क्रिश्चियन होती है। लीना, पॉल के फादर भंसल, ये सारे लोग मिलकर मार्टिन को फंसाया इसकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। लीना कहने लगती है कि पतिदेव, अब तो आप बाहर नहीं आ सकते, इसी जेल में सड़ते रहो और हम लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी को एंजॉय करते रहेंगे। ये सब जानने के बाद मार्टिन का दिल टूट जाता है। जब मार्टिन जेल में होता है तो मार्टिन से मिलने के लिए वेट्री आता है, मतलब ये भी कुछ क्राइम करके मार्टिन से मिलने के लिए जेल पर आता है। एक्चुअली इस जेल में एक स्पेशल बंदा होता है, वेट्री उसी स्पेशल बंदे से मिलवाने के लिए यहाँ पर आता है। मार्टिन अपने साथ जो धोखा हुआ वो सारी बात इस बंदे को बताने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि अब तुमको तुम्हारी बीवी से बदला लेना है ना, तुम फिक्र मत करो, मैंने इन सारी चीजों का इंतजाम कर दिया, मेरे आदमी तुम्हारी वाइफ पर 24/7 नजर रखे हुए है, और फिलहाल तुम्हारी बीवी लीना बाइक पर किसी जगह पर ट्रैवल कर रही है। इस तरह से मॉनिटर्स में लीना को दिखाने लगता है और एक फोन देकर लीना को कॉल करने के लिए कहता है। और एक्चुअली आज लीना का बर्थडे और उसी तरह इनका मैरिज एनिवर्सरी होता है। पहले तो मार्टिन लीना को विश करने लगता है और ये भी कहने लगता है कि अब मैंने तुमको दे दिया ना बहुत बड़ा सरप्राइज, ये सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ लीना, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एंडिंग को देखकर ऐसा ही लगता है कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।